हमने लिया इसमें 2 किलो बोनलेस ये स्ट्रिप्स की शक्ल में, ये इस तरह ऐसे। और इसमें इंग्रेडिएंट्स आएंगे लहसुन और अदरक की को फाइन चॉप करना या पेस्ट बनाना, इट्स अप टू यू। ये 2 अंडे जाएंगे इसमें, काली मिर्च जाएगी और इसमें जाएगा नमक, सोया सॉस, सिरका और चिल्ली सॉस, ये 3 चीज़ें इसमें जाएंगी। एक एक चम्मच या डेढ़ डेढ़ चम्मच हम डाल लेंगे, ठीक है। अब ये मैं इसमें डालने लगी हूँ, ये इसमें 1 चम्मच गया नमक, 1 चम्मच काली मिर्च। इसमें एक ऑप्शन है कि इसमें ग्रीन चिली की फाइन चॉप करके या बारीक सी पेस्ट बना के इसमें हम वो भी ऐड करें, इसमें वो भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, ये ऑप्शन है, अगर डाल सकते हैं इसमें। ये 2 अंडे के और ये क्या इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, कोई इसको मैंने फाइन चॉप भी किया, ठीक है। चलो अब हम इसको मिक्स करते हैं और इसको मैरिनेट होने के लिए रखेंगे, फिर बाद में इसमें हम कॉर्नफ्लोर और मैदा मिक्स करेंगे और इसको कम से कम मैरिनेट होने के लिए हम 1/2 घंटा से 1 घंटा तक रखेंगे। फिर उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी वो कॉर्नफ्लोर और मैदा, फिर इसके बाद फ्राई करेंगे। अब ये इसमें सिर्फ मैंने मैदा डाला है और बाकी वही चीज़ें हैं, सोया सॉस, अंडा, चिली सॉस, नमक, काली मिर्च, वही चीज़ें जो मैंने सारी बताई हैं वही डाली। अब इसमें हमने ये मैदा मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे और फ्राई करेंगे।